देखिए मेरे पास ये दो डब्बे थे कंटेनर, तो उसके ये हैंडल हैं और ये किसी काम के नहीं, मैं निकाल दिए क्योंकि कंटेनर को मैंने प्लांटर बना दिया है। और अब क्या करना है मैंने इसका, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फेंकने का दिल नहीं कर रहा था, कबाड़ियाँ हूँ क्योंकि कबाड़ी कैसे फेंक देंगे इन सब चीज़ों को। तो बच्चे तो बोल रहे फेंक दो किस काम के हैं, बट मैंने कुछ जुगाड़ करना था इसका। तो देखिए ये मैंने थोड़ी सी घास में ही रखी हुई है ऐसे ही, और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। तो मैंने क्या करना है, अब ये है जो, अब पता नहीं देखिए, एक मेरे को ये दिख रहा था कि ये सीधा सीधा मिट्टी में गाड़ दो, क्यों मैं मेहनत करूं। तो ये मैं टोपियारी बनाना चाहती थी घास की, इस तरह से। ये देखिए ये भी अच्छी लग रही है, और यहाँ से मैंने घास चढ़ा देनी इसके ऊपर, ये भी अच्छी लग रही है। बट मेरे को एक डिफरेंट आइडिया सूझा फिर कि मैं क्यों ना इसको इस तरह करूँ। ये देखिए इस तरह करके, फिर और इसको इस तरह से। तो इसका अब क्या कैसे किया जाए, तो ये भी मेरे को आइडिया अच्छा लगा, ये ज़्यादा अच्छा लगा बल्कि। अब मैं इसके लिए क्या करूँगी, एक मैं यहाँ पे कट लगा लूँगी, यहाँ पे तो गर्म चाकू से लगा लूँगी। ये देखिए बीच में लगाऊँगी, बिल्कुल गर्म चाकू से लगाना है अपना। ये पूरा निकालूंगी इसको इस तरह से। तो ये है, आप देखिए इस तरह से, और इसको मैं बांध दूंगी धागे से, बांध दूंगी इसको मैं। देखिए इस तरह से बांधूंगी मैं इसमें, और अगर आपको लगेगी भाग सकता है इधर उधर, इसमें मिट्टी डालनी है थोड़ी, और मिट्टी डलेगी। और इसको आप जूड़े पिन से ऐसे फिक्स भी कर सकते हो, बट मैंने इसका एक जुगाड़ और सोचा है। ये मेरे पास सिलाई है, वेस्टेज है, किसी काम की नहीं, क्योंकि मेरे पास नई बहुत सारी हैं। तो मैंने इसको क्या करना है, देखिए ये ऊपर से ये थैला है मेरे पास सब्जी का, या कोई कपड़ा ले सकते हो आप, कॉटन का कोई भी, वो मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसमें जंग ना लगे, आगे काम भी आ जाए। क्योंकि मुझे अगर ये मेरा काम हो जाता है टोपियारी का, तो बाद में काम आ सकती है सिलाई, तो मैं वेस्टेज बिल्कुल नहीं करूँगी। बस इस तरह से करना है मैंने इसको, इसको मैं रोल रोल कर लूँगी और इसको नीचे लगा लूँगी। कोई भी आप पॉलिथीन लगा सकते हैं नीचे, नीचे के नीचे ना भी जंग ना चढ़े इसको, बस पानी से ख़राब ना होए, क्योंकि पानी तो लगेगा ही। अगर आपका स्टिक है, सिलाई नहीं है मान लो, कोई स्टिक है, स्टिक भी लगा सकते हो या लकड़ी भी लगा सकते हो, सबसे बेटर अगर आपके पास लकड़ी है और वो भी लगा सकते हो। अब मैंने क्या करना, देखो ये बस इसको सीधा सीधा बांध दूंगी इस तरह से, बस इस तरह से इसको लपेटना है। आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी चीज़। तो देखिए इस तरह से बन गया है, ये देखिए। तो अब ये मेरे पास जूड़ा पेन है, आपके पास कुछ भी हो वायर वगैरह तो ये लगा सकते हो। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा इस तरह से इसको बस साइडों से करूँगी मैं इस तरह पुश, और ये कहीं भागेगा नहीं फिर। वैसे तो मिट्टी जमने के बाद ये वैसे भी कहीं नहीं भागने वाला, पर फिर भी हम अपना पक्का काम करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमारी बाद में टोपियारी ख़राब ना हो। की हुई मेहनत ख़राब हो जाए तो फिर बहुत बुरा लगता है, बस एक ही बार की मेहनत ठीक रहती है। ये देखिए इस तरह से कर दिया है मैंने, अब इसमें मैं पानी डालूँगी, थोड़ा मिट्टी और डाली मैंने इसमें, गीली हो जाएगी। तो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, चाहे आए चाहे ना आए। अब इसको क्या करना है, बस यहाँ से अब कुछ तो मैं यहाँ लगा दूंगी। अब तो देखिए हम इनको बांध देंगे इस तरह से, सारी झाड़ियों को अलग अलग बांध देंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बांधना, ज़्यादा टाइट नहीं करना। फिर जैसे जैसे बढ़ती रहेंगी वैसे हम और धागा बांधते रहेंगे इसमें। और ये देखिए बहुत सॉफ्ट बांधना है ताकि ये टूटे ना इसकी, क्योंकि बहुत हल्की होती हैं इसकी टहनियाँ, तो टूट भी सकती हैं। बस इस तरह से बांध रहे हैं हमने। अब देखिए मेरे पास ज़्यादा लंबी घास नहीं है, मेरे पास ज़्यादा लंबी है तो और ज़्यादा हो जाएगा। बस इस तरह से बांधूंगी।
देखिए इस तरह बनी है ये। अभी इसकी लेंथ थोड़ी छोटी है और ये घास भी कम थी मेरे पास, बट अगर घास और ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अब वीडियो की तरह मैं दिखा तो नहीं सकती, जैसे एकदम बीच में फूल निकल रहे हैं, बस बर्ड्स आए हुए हैं, फूल 2-4 दिन में निकल जाएंगे, बर्ड्स इसमें काफ़ी हैं, तो बस ये जड़ पकड़ेगा और बर्ड्स इसमें आ जाएंगे। तो कैसी लगी मेरी टोपियारी? पूरी बन के बहुत सुंदर लगेगी ये, फिर मैं कुछ और जुगाड़ करूँगी इसमें। तो देखिए बताइएगा जरूर, सिंपल सी है बट न्यू आइडिया था मेरे लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बताना ज़रूर कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।